रहेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उनकी सरकार है, कई और स्टेटों में सरकार है, वो भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है और तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं, जो संविधान के, लोकतंत्र के, न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के विरोध में होती है, उसके बावजूद भी वो जनता को डराना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में आज ही दो बड़ी घटनाएं, एक कल घटी है जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है, और फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही जो है चुन्नी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं हो, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़के भी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था, हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर जाए, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। किसानों को बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे के नाम पे कोड़ियां दिखाई गई। मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत के आया हूं वहां पर गुलदारों का बहुत बड़ा हमला है। मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, स्टेट मिनिस्टर को भी लिखा है, तमाम तरह से जो है इंसान 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करे। एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकारक कर्म हो, मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक विजन दिया है, विकसित भारत का एक संकल्प दिया है, हम सबका दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्राण प्राण से जुट करके हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करें। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहां के रज रज में, यहां के कण कण में कृष्ण कन्हैया का वास देखा गया है, माना गया है राधा और कृष्ण यहां की हरेक कण कण में रस्ती बस्ती है। यहां कला है, यहां विश्वास है, यहां आस्था है, यहां समर्पण है, और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे, और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे
जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का, आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या अपार श्रद्धा भाव हुई। अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं वहां पर। आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें इन महापुरुषों के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा। मैं राठौर समाज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर जी एस धर्मेश जी के साथ में लोग आए थे, मेरा प्रयास था कि मैं 13 तारीख को यहां पे आऊं, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ जुड़े होने के नाते उस समय नहीं समय निकाल पाया। लेकिन मैंने कहा कि जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि लगता है 10 वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है, हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से